टीवी समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत दमाना पहुंची। वहां के सरपंच कुबेर सिंह जी, उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास करवाया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपके कार्यकाल को करीबन 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया, इस दौरान आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या क्या करवाया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने 250 मकान लोगों को भी फिलहाल दे दिया, और 120 पूर्ण हो चुके हैं और बाकी चल रहे हैं। सर, आपकी ग्राम पंचायत में नरेगा चल रही है, नरेगा के तहत क्या क्या कार्य हुए? नरेगा के अंतर्गत हमने 2 रोड करवाए हैं और कटिंग रोड 7 करवाए हैं। अभी आपकी बार और बजट आएगा तो और कटिंग करवाएंगे। सर, पेयजल की समस्या आपकी ग्राम पंचायत में वो आ रही है? पेयजल की समस्या बहुत है सर, तो फिर ग्राम पंचायत दमन अभी की ओर से 21 हेडपम्प जिला परिषद से 3 और 19 ये पंचायत से खुलवाए। समस्या का समाधान हुआ है? हुआ है, तो थोड़ा कम ही हुआ है सर, अभी फिलहाल इतना पूरा नहीं हो पाया। शिक्षा का स्तर सर कैसा है आपकी ग्राम पंचायत का? शिक्षा का स्तर अभी फिलहाल तो ठीक चल रहा है सर, हमारे यहाँ UPS स्कूल थी, बिजली में है और इसको क्रमबद्ध करके माध्यमिक विद्यालय में क्रमबद्ध कर दिया गया। इस माह से आने वाले नए सत्र से 9 का एडमिशन चालू हो जाएगा। सर, आपके कार्यकाल में आपने यहाँ ग्राम पंचायत में कोई सामुदायिक भवन वगैरह का कोई निर्माण वगैरह करवाया? सामुदायिक भवन अभी तक निर्माण नहीं करवाया, पंचायत भवन का काम चल रहा है, अभी छत डलवानी है और अनाज गोदाम चल रहा है। अनाज गोदाम इस कार्यकाल में आपके दौरान हुआ? हाँ, मेरे कार्यकाल में ये दोनों बन रहे। तो ऐसा कोई CC रोड वगैरह या कोई ग्रेवल रोड का निर्माण आपके कार्यकाल में? अभी CC रोड तो 3 बनवाए सर और 3 पुलिया बनवाए, और अभी ग्रेवल सड़क माकड़ी से मानला दिल्ली प्रस्तावित और उनका सेंक्शन हो गया है। सेंक्शन हो चुका है? हो चुका है। सर, आप करियर की बात करें, आपने राजनीतिक करियर कहाँ से शुरुआत की? सर, करियर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मेरे करियर के बारे में 2005 से इस राजनीति का करियर शुरू किया है, फिर 2005 में हारने के बाद वापस अभी 2015 में वापस चुनाव लड़ा। सर, जनता उम्मीद क्या रखेगी, आगे कौन सा चुनाव लड़ोगे आप? जनता उम्मीद रखेगी और अपन अच्छा काम करेंगे तो जनता फिर अपन को साथ देगी। आप चुनावी मैदान में उतरोगे? हम उतरेंगे सर। सर, आप ग्राम पंचायत और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आपकी ग्राम पंचायत? हम तो ग्राम पंचायत और देशवासियों से राजस्थान और पूरे देश भारत देश को समझ रहे हैं और शौचालय बना के अच्छा रहेगा, ओडीएफ हो जाएगा, भारत देश अच्छा रहेगा। धन्यवाद सरपंच साहब हमारी चैनल में पहुंचने के लिए। मैं शंकर बंसारी, सीधी बात सरपंच के साथ, देखते रहें NDT समाचार।